भारतीय हुकूमत तदब्बुर से काम ले, अमन को दाव पर न लगाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मोदी हुकूमत को वाज़े पैगाम, कहते हैं कि बीजेपी सियासी मकासद के लिए जुनून फैलाना बंद करे। पूरे मकबूजा कश्मीर में खौफ की फजा है। कश्मीरी कयादत को कश्मीर से बाहर धकेला जा रहा है। भारतीय हुकूमत गैर जिम्मेदाराना रवैया बंद करे, ऐसे इकदाम से जमीनी हकायक तब्दील नहीं होंगे। मकबूजा कश्मीर में नई नस्ल में एक नई हुर्रियत की कैफियत जाग चुकी है जो दबने वाली नहीं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कश्मीरी नौजवानों को, तीन नौजवानों को सरेआम पीटा गया, उनका गुनाह क्या था? लोगों की जायदादों पर हमले किए जा रहे हैं, लोगों की इमलाक को नजर आतिश किया जा रहा है, लोगों की गाड़ियों को जलाया जा रहा है, लोगों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। पुलवामा के वाकया के बाद दर्जनों गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो हुर्रियत की लीडरशिप है उनको देश नकाला दिया जा रहा है। ये तो जुनूनियत है, ये तो पगलाहट है। इस पगलाहट को फिल फॉर बंद होना चाहिए। तदब्बुर से काम लें और इस किस्म की सियासत की खातिर आप पूरे खित्ते को दाव पर ना लगाएं। पाकिस्तान अमन की ख्वाह है, लेकिन वाज़े पैगाम देना चाहता हूं, हिंदुस्तान जो वॉर फ्रेंजी क्रिएट कर रहा है, अगर आपका ख्याल है कि हम दबाव में आ जाएंगे, अगर आपका ख्याल है हम मरूब हो जाएंगे, तो ये ख्याल जहन से निकाल दें। ये कौम अब एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो गई है। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान पाकिस्तान के नज़रिए की और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। मैं लिया उठाकर देखने की जरूरत न कर रहा।